रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से दावा किया जाता रहा है कि समूचा पश्चिमी खेमा यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे वह सैन्य और आर्थिक मदद हो या फिर नेटो और यू में सदस्यता का सवाल हो। हालांकि इस दावे पर कई बार सवालिया निशान भी उठते रहे हैं। हंगरी समेत कई पश्चिमी देश ऐसे भी रहे जिन्होंने कई मौकों पर यूक्रेन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर रूस के साथ तनाव बढ़ाने की यूरोपीय संघ की नीति की निंदा करते हुए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों लोगों ने शांति मार्च निकाला। इस महारैली का समापन प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन के भाषण के साथ हुआ, जिन्होंने ब्रुसेल्स पर यूरोप को बड़े युद्ध के करीब या कहें कि पूरा विश्व इस युद्ध के चपेट में आने की आशंका जताते हुए आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने विश्व प्रसिद्ध चेन ब्रिज से डेन्यूब नदी पर मार्गरेट द्वीप पर इस मार्च को निकाला है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी झंडे लिए हुए सड़कों पर उतर आए और साथ ही शांतिवादी के नारे लगा रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था, कोई युद्ध नहीं और हमें शांति दीजिए प्रभु। प्रधानमंत्री ने रॉयटर्स के हवाले से कहा, यूरोप को युद्ध में जाने से अपने ही विनाश में जाने से रोका जाना चाहिए। दावा है कि इससे पहले कभी भी इतने सारे लोग शांति के लिए कतार में नहीं खड़े हुए थे। ऑर्बेन ने कहा कि उनके देश को 20वीं सदी के सबसे बुरे समय में हुई तबाही से सबक लेना चाहिए। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन ने कहा कि दो विश्व युद्धों में हंगरी वासियों ने 1.5 मिलियन लोगों की जान गंवाई है, जिसमें उनके साथ साथ उनके मासूम बच्चों और पोते पोतियां भी शामिल हैं। बता दें कि नेटो के सदस्य देश हंगरी ने रूस के साथ एक नए विश्व युद्ध के बारे में सख्त चेतावनी जारी की थी। हंगरी ने कहा था कि अगर सैन्य गठबंधन का कोई देश सीधे तौर पर मॉस्को के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में शामिल हो जाता है तो अगला विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। इस जंग को 2 सालों से भी ज्यादा समय से यूक्रेन मुख्य रूप से अपने यूरोपीय सहयोगी और अमेरिकी मदद से लड़ रहा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद ऑर्बेन ने बार बार ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के नेतृत्व पर मॉस्को के साथ खतरनाक टकराव का आरोप लगाया है और चेतावनी दी कि ब्लॉक को खुद को पूर्ण युद्ध में घसीटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मालूम हो कि यह पहला मौका नहीं है। हंगरी ने लगातार कीव और मॉस्को के बीच संघर्ष के राजनयिक समाधान पर जोर दिया है, साथ ही यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए अन्य पश्चिमी देशों की आलोचना भी की है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि हंगरी रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने और मॉस्को के प्रभाव को रोकने के लिए कोई कदम उठाने में विफल रहा है। जाहिर है कि साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से हंगरी और अमेरिका के संबंध और भी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।